लेजेंडरी एक्टर अमिताभ बच्चन साहब ने अपनी नातिन और अपनी पोती यानी नव्या नवेली नंदा और आराध्या के लिए लिखा एक इमोशनल लेटर। बच्चन साहब हाल ही में फिल्म पिंक के लिए काम कर रहे हैं। पिंक का क्लाइमैक्स उन्होंने शूट किया और उस क्लाइमैक्स में जो डायलॉग्स उन्होंने बोले हैं वो इतने ज्यादा हार्ट टचिंग थे कि वहां मौजूद फीमेल एक्ट्रेसेस की आंखों से आंसू निकल पड़े। बच्चन साहब ने शायद उसी दौर को फील करते हुए एक लेटर लिखा है अपनी दोनों ग्रैंड डॉटर्स के लिए। उन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि ये दुनिया लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है और तुम्हें बहुत मुश्किलें आने वाली हैं। भले तुम्हारा सरनेम नंदा हो या बच्चन, तुम्हें तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। ऑप्शन एक ही है कि तुम वो करो जो तुम करना चाहती हो। उन्होंने इस लेटर में लिखा कि दुनिया को ये डिसाइड मत करने दो कि तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है। दुनिया को ये डिसाइड मत करने दो कि तुम कब और किससे शादी करो। जो तुम्हें डिसाइड करना है वो खुद करो। बी एन इंडिविजुअल एंड यू कैन डू द चेंज, क्योंकि विमेन के लिए आने वाला टाइम बहुत ज्यादा मुश्किलों भरा है। एक आम साधारण दादाजी की तरह उन्होंने अपने दिल का हर वो डर खुलकर उन बच्चों के सामने रख दिया जो बताना चाहते हैं, जो हर पेरेंट जानता है कि उसकी बेटियों को इन सब परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। बच्चन साहब का ये लेटर बहुत ही इमोशनल है और इसे उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट भी किया और ये बात साफ हो जाती है कि बच्चन साहब खुद इस फिल्म को करने के बाद कितने ज्यादा गहराई से इस इशू को समझे हैं कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी मानते हुए अपनी ग्रैंड डॉटर्स के लिए लेटर लिखा और सबके लिए एक मैसेज दिया, लेट द विमेन बी द विमेन, जैसी वो हैं उन्हें वैसा बनने दें। हैट्स ऑफ टू बच्चन साहब।